वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है सर और आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको ब्लॉगिंग सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि हमारी ब्लॉगिंग सीरीज का ये तीसरे नंबर का वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने ब्लॉग के लिए कैसे आपको पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कोई लिखना नहीं पड़ेगा, काफ़ी सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ब्लॉग बनाते ही आपको पेजेस बनाने पड़ते हैं। पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने ब्लॉग के लिए। तो आपको दोस्तों पेज बना के दिखाऊंगा एकदम, मतलब एकदम सिंपल मेथड से। आपको कोई भी मतलब HTML एडिट नहीं करना है, कुछ एडिट नहीं करना है, ठीक है? वो एकदम सिंपल मेथड से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको अपना क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ आपको नेक्स्ट मतलब न्यू टैब करना है। यहाँ पे आपको डालना है कॉन्टैक्ट अस पेज HTML, ठीक है? इसको आपको सर्च कर देना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस पेज HTML डाल दोगे तो आपको जो यहाँ पे वेबसाइट मिलेगी आपको फ्री सिंपल HTML कॉन्टैक्ट फॉर्म कोड जनरेटर, ठीक है? इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से ही इसको ओपन कर ली, ठीक है? तो आपको इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। दोस्तों देखिए, ये कोड जो है आपको कॉपी कर लेना है, पूरा का पूरा आपको कोड कॉपी कर लेना है। और दोस्तों इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा जब आप अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज में इसको पेस्ट करोगे। तो अभी चलते हैं दोस्तों अपने ब्लॉग में। अभी हम आ चुके हैं हमारे ब्लॉग में। दोस्तों यहाँ से आपको जाना पड़ेगा पेजेस में, पेजेस वाले सेक्शन में। और मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज पहले क्रिएट किया, फिर भी मैं आपको अभी क्रिएट करके बताता हूँ। डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे न्यू पेज करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा पहले, हाँ कुछ इस तरीके का। तो आपको यहाँ पे पेज पेज टाइटल पे आपको डाल देना है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस डाल देना है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे वाले जो HTML का ऑप्शन दिख रहा है कंपोज के बाजू में, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और इस HTML ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है कीबोर्ड का इस बटन दबा देना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको और जो कोड आपने कॉपी किया था यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे पेस्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पब्लिश कर देना है। पब्लिश होने के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि अब ये कैसा दिखेगा, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे मतलब कॉन्टैक्ट अस वाली टैब नहीं आ चुकी है, तो हम फिर वापस चलते हैं अपने ब्लॉग पे। तो दोस्तों आपको फिर भी आपको शो नहीं होता है यहाँ से आप पेज क्रिएट करने के बाद, तो आपको जाना पड़ेगा लेआउट में। और लेआउट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पेजेस का जो ऑप्शन आता है गैजेट, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता है। मैंने पहले से ऐड करके रखा है। तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। और एडिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आपको कॉन्टैक्ट अस पेज शो हो रहा है, इस पर आपको टिक लगा देनी है। यह हाइट था यहाँ से, इसलिए नहीं शो हो रहा था उस पर। तो यहाँ पे आपको टिक लगा देनी है और यहाँ से आपको सेव कर देना है सेटिंग, ठीक है? तो सेव होने के बाद हम चलते हैं वापस और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज आ चुका है। यहाँ पे होम है और दो सेकंड नंबर पे है दोस्तों कॉन्टैक्ट अस पेज आ चुका है। जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए इस तरीके से कॉन्टैक्ट अस पेज आपको दिख जाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में हम आपको डिस्क्लेमर का पेज बना के दिखाने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ब्लॉग के लिए, मगर बना के दिखाने वाले हैं। आपको डालना है डिस्क्लेमर पेज जनरेटर, ठीक है? इसको डालने के बाद आपको वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। मैं वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपनी का नेम डालना पड़ेगा, जैसे ब्लॉग का ही डाल दो आप। मैं डाल देता हूँ रियलमी, मेरा रियलमी ब्लॉग है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है। रियलमी डाल देता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट का नेम बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का नेम डालना पड़ेगा। मैं डाल देता हूँ realme.com, ठीक है? और यहाँ से यहाँ पे वेबसाइट का नेम डालना है आपको,
यहाँ पे आपको रियलमी डाल दें, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो वेबसाइट का यूआरएल है। आपको नीचे आपको वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना होगा। आपको सिंपल मेथड बताता हूँ अपने ब्लॉग का यूआरएल कॉपी करने के लिए। इसको थोड़ा हटा देता हूँ, एक मिनट, बहुत टाइम हो चुका है। हाँ, यहाँ पे आपको ऐसे ब्लॉग में जाना है, यहाँ पे आपको इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये वाला नहीं, ये वाला सेक्शन आपको नहीं कॉपी करना है। हाँ, इसको भी आपको कॉपी कर लेना है। और इसको कॉपी कर लेने के बाद जो आपका ब्लॉग का यूआरएल होता है साइट का, ये तो आपको पता ही होगा, और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैंने सॉरी दूसरा पेस्ट किया था, अभी मैं अपने ब्लॉग का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। दोस्तों, अब आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी कंट्री में रहते हो उस कंट्री को आप सिलेक्ट कर लो। इंडिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और जहाँ पे आप रहते हो, मतलब स्टेट आपकी, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूँ। @gmail.com, ठीक है। इसके बाद आपको जनरेट माई डिस्क्लेमर पे आपको क्लिक करना होगा, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, 1 से 2 सेकंड। दोस्तों, यहाँ पे आपको वेबसाइट दी जाएगी, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो कोड वेबसाइट पे लॉगिन करके, मगर यहाँ पे आपको नीचे कोड दिया गया है, इसको आपको सिंपल से कॉपी कर लेना है। और इस कोड को कॉपी कर लेने के बाद सिंपल से वही सेटिंग करनी है, फिर से वही सेटिंग करनी है। अपने ब्लॉगर पे जाना है आपको। अपने ब्लॉग पे जाने के बाद आपको पेजेस में जाना है, और पेजेस में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट करना है पेज, न्यू पेज पे क्रिएट करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जाना है, डिस्क्लेमर लिख देना है, टाइटल ठीक है, डिस्क्लेमर पेज लिख देना है। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे पेस्ट नहीं करना, आपको HTML पे उसको ओपन करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट होने के बाद इसको आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो अभी इसको रिफ्रेश कर देते हैं। और ये भी पेज दोस्तों उसी तरीके से शो नहीं हो रहा होगा अपने ब्लॉग, आपके ब्लॉग पे, तो आपको फिर से लेआउट में जाना है। और लेआउट में जाने के बाद दोस्तों आपको पेजेस वाले आइकॉन पर एडिट कर देना है, और वहाँ पे डिस्क्लेमर पेज यहाँ से फिर से हाइड हो चुका है, यहाँ पर हम डिस्क्लेमर पेज को टिक लगा देते हैं, सेव कर देते हैं। अभी हम हमारे ब्लॉग पे जाके देखते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्लेमर पेज भी आ चुका है ना, हम इसको क्लिक करते हैं। वहाँ पे आपको डिस्क्लेमर पेज नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ डिस्क्लेमर लिखना पड़ता है, डिस्क्लेमर। तो मैंने डिस्क्लेमर पेज लिख दिया है गलती से। तो देखिए, डिस्क्लेमर फॉर रियलमी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आता है आपका जो पेज है, आपका जो टेम्पलेट है, वो सारे अपडेट कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आता है दोस्तों। इसी तरीके से आपको, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और दोस्तों इसी तरीके से आपको अपने ब्लॉग के लिए प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना है, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप वहीं से उस वेबसाइट पर लॉगिन कर लो, और इसी तरीके से आपको पेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो चुका है, काफ़ी देर हो चुकी है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग सीरीज का आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।